अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल शेज़वान चिकन स्प्रिंग रोल बनाने की रेसिपी। इसे आप इफ्तार के मौके पर बना सकते हैं, स्नैक्स टाइम पर बना सकते हैं, या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी इसे आप बना सकते हैं। बहुत आसानी से, बहुत जल्दी ये स्प्रिंग रोल हम घर पर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और उसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और इसके साथ हम लेंगे एक लार्ज साइज़ की प्याज और उसे हम स्लाइस कर लेंगे, और एक शिमला मिर्च, उसे भी हम इस तरह से स्लाइस कर लेंगे। अब एक पैन में ऑयल गरम करेंगे, इसमें हम 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे हम भून लेंगे। इसे भूनने के बाद इसमें हम चॉप किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डालकर इसे हम मिक्स कर लेंगे, और ढक्कन लगाकर इसे हम तब तक पकने देंगे जब तक कि चिकन का पानी सूख ना जाए और चिकन पक ना जाए। थोड़ी देर बाद हम चेक कर लेंगे, चिकन का पानी सूख गया है और चिकन भी पक चुका है। अब हम इसमें स्लाइस की हुई प्याज और शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। प्याज और शिमला मिर्च को हम सिर्फ सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून सोया सॉस, और 1 टेबल स्पून इसमें हम शेजवान सॉस डालेंगे। शेजवान सॉस हम 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे। इन सभी सॉस को अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें हम बारीक स्लाइस की हुई पत्ता गोभी ऐड कर देंगे। इसमें हम लगभग 1/2 कप जितनी पत्ता गोभी ऐड करेंगे, और इसे हमें बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस करना है। गोभी ऐड करके इसे हम जस्ट मिक्स कर लेंगे, और गैस का फ्लेम बंद करके स्टफिंग को हम एक बोल में निकाल कर रख देंगे। अब हम रोल्स बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने स्विस स्प्रिंग रोल शीट यूज़ की है, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। इसे जो है आप बहुत जल्दी स्प्रिंग रोल बना सकते हैं, ये बहुत टेस्टी भी बनते हैं और इसे बनाना बहुत आसान होता है। अब हम इस तरह से शीट पर स्टफिंग रखेंगे। इस पे आप चाहें तो थोड़ा सा चीज़ ऐड कर सकते हैं, चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास चीज़ नहीं है, इसे आप नहीं डालना चाहते, तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। स्टफिंग डालने के बाद इस तरह से आप स्प्रिंग रोल बनाएंगे। जिस तरह से मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ, इसे आप वीडियो में देख सकते हैं, उसी तरह से हम सभी स्प्रिंग रोल्स फोल्ड कर लेंगे। अब हम स्प्रिंग रोल फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हम ऑयल को पहले अच्छी तरह से गरम कर लेंगे, और फ्राई करते वक्त हम गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखेंगे। इसे दोनों साइड से हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। स्प्रिंग रोल फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि जो इसका एक्सेस ऑयल है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए।
शेजवान चिकन स्प्रिंग रोल रेडी है। इसे हम टमाटो केचप के साथ, मेयोनीज के साथ या फिर चीज़ डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत कम टाइम में बन जाती है, बहुत टेस्टी भी बनती है और इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद भी आएगी। अस्सलामुअलैकुम, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वेज चाइनीज़ स्प्रिंग रोल बनाने की रेसिपी। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत टेस्टी भी है। इसे आप स्नैक्स टाइम पर बना सकते हैं, लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैकेट बॉइल्ड हक्का नूडल्स लिए हैं, साथ ही मैंने एक कप शेड की हुई कैबेज, पत्ता गोभी, एक स्लाइस की हुई शिमला मिर्च, एक स्लाइस किया हुआ प्याज, एक छोटी साइज की गाजर और 2 से 3 हरी मिर्च चॉप करके ली है। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच और इसे गरम होने देंगे। फिर इसमें हम प्याज डालकर इसमें 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर इसे हल्का सा भून लेंगे। फिर इसमें स्लाइस की हुई वेजीज डालकर इसे स्टिर फ्राई कर लेंगे। इसे थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें हम बॉईल किया हुआ नूडल्स ऐड करेंगे, थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1/2 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस और नमक टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करके इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। अब इसके स्प्रिंग रोल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने स्प्रिंग रोल शीट ली है। स्विस स्प्रिंग रोल शीट आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी, ये मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया था। इस शीट पर अब हम नूडल्स डालेंगे इस तरह से, इसे आप वीडियो में देख सकते हैं, और इस तरह से इसे हम फोल्ड कर लेंगे और इस पर हम मैदे और पानी का बनाया हुआ घोल लगाकर इसे अच्छी तरह से बंद करेंगे। सभी स्प्रिंग रोल्स हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे और अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने के लिए पहले आप ऑयल अच्छी तरह से गरम कर लीजिएगा। दोनों साइड से हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। वेज चाइनीज स्प्रिंग रोल रेडी है। इसे अब हम टमाटो केचप के साथ सर्व कर लेंगे। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है ये। जिन लोगों को नॉनवेज नहीं पसंद हो वो इस तरह से वेज स्प्रिंग रोल भी बना सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत आसान भी है इसे घर पर बनाना। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई रेसिपी के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।